हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं, एक नई एनर्जी के साथ। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली इन्फोसिस की तरफ से काफी स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है इन्फोसिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की। अब ये इन्फोसिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्या है एंड ये किन स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मेल रिसीव नहीं हुई है। सो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं है, प्लीज सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मुझे मोटिवेट करता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉप नॉच लेवल कंटेंट लाने के लिए। सो चैनल पे बने रहना, वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेल, मैं आप लोग को मेल भी दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो अभी बात करते हैं, ये मेल इन्फोसिस की तरफ से रिसीव हुई है काफी स्टूडेंट्स को एंड ये एक आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। अब ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग, भैया आप बोल रहे हो क्या भैया इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा? सो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम इन्फोसिस। एंड मैं आपको बताता हूँ, ये इंटर्नशिप जो है इसका नाम विंटर्नशिप के नाम से इन्होंने इसका नाम रखा है। सो ये विंटर्नशिप, इन्फोसिस विंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब जितने भी स्टूडेंट्स को ये मेल रिसीव नहीं हुई है, ये मेल रिसीव नहीं हुई है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वे सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भैया हमें मेल रिसीव नहीं हुई है। एंड जितने स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है, वे भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। ग्रीटिंग फ्रॉम इन्फोसिस, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इन्फोसिस विंटर्नशिप 2025। एंड ये अपॉर्चुनिटी 2025 बैच के लिए होने वाली है। विंटर्नशिप इज इन्फोसिस होलिस्टिक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इंटर्नशिप क्या है? एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अभी ये कितने वीक्स का होगा, क्या इसमें स्टाइपेंड मिलने वाली है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिजाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग अमोंग अवर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, कौन सी हायरिंग में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो सारी चीजें बताने वाला हूँ। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप there will be on campus training sessions followed by evaluation to assess the student performance. The internship program will also allow students to work on a project. ab aap is internship ke andar ek project pe kaam karne wale ho and aap sabhi students ko pata hai ki jo infosys ki, main aapko bata deta hu jitne students ko nahi pata hai, jo infosys ki internship hoti hai ya fir hum isko training bol dete hain, जो इन्फोसिस की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग होती है, ये आपको काफी हेल्प करेंगी बहुत सारे मैनर्स के अंदर, लाइक आपकी लर्निंग्स के अंदर, ठीक है। आपकी लर्निंग्स के अंदर ये काफी एक बहुत बेस्ट होती है इंटर्नशिप इन्फोसिस की। इन्फोसिस की जो इंटर्नशिप होती है, इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है, वो काफी आपको हेल्प करेगी, काफी आपके करियर में हेल्प करेगी, ठीक है। विच इज करिकुलम रिक्वायरमेंट एंड रिसीव गाइडेंस फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर्स एट इन्फोसिस। बिसाइड्स दैट, स्टूडेंट्स विल रिसीव बेसिक ट्रेनिंग टू मैनेज द प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। अब आप लोग को एक ट्रेनिंग भी मिलेगी जिससे आप इजिली चीजें कर पाओ, जो आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसके लिए आपको चीजें आनी चाहिए, तो वो ट्रेनिंग भी आपको इन्फोसिस प्रोवाइड कराएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। काइंडली नोट, दिस प्रोग्राम इज ओपन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर। अब इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी कि जितने स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं इस सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे, जिसका 3.6 LPA पैकेज होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इन्फोसिस बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जाती है ऑन कैंपस एंड वहां पे सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे स्टूडेंट्स को हायर करती है, एक बहुत बड़ी मास हायरिंग होती है। तो जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप होने वाली है थ्रू द कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओनली कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के भी आप पे। एंड 2025 बैच के लिए आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ड्यूरेशन इसकी रहने वाली है 18 वीक्स इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। एंड आपको मैं बता देता हूँ, जो मोड ऑफ ट्रेनिंग है वो ऑन कैंपस इन्फोसिस मैसूर डेवलपमेंट सेंटर पे होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स एक एक करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, मोड ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी, अब कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है
कौन से स्टूडेंट्स के लिए हायरिंग होने वाली है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, जितने स्टूडेंट का सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ड्यूरेशन 18 वीक्स की रहने वाली है। मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑन कैंपस इंफोसिस मैसूर डेवलपमेंट सेंटर पे ये आपकी मोड ऑफ ट्रेनिंग रहेगी। नाउ मूव टू द बेनिफिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि भैया बेनिफिट क्या है। आई स्टाइपेंड ऑफ INR 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। अब आप लोग सोचोगे भैया 10,000 रुपीज ये तो कुछ भी नहीं होता है। सो आपको अमाउंट पे नहीं जाना है, आपको अभी लर्निंग्स पे जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, आपको रील्स में यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बोल दे, बट एक चीज मेरी याद रख लेना, एंड ये चीज आज आपको नहीं समझ में आएगी, बट जब आप एक अच्छी पोजिशन पे हो जाओगे, जब आपको IT सेक्टर के अंदर 2 से 3 साल हो जाएंगे, जब आपको समझ में आएगी फ्रेशर पोजिशन पे, अभी आप लोग फ्रेशर लेवल पे हो, अभी आपका मेन काम रहना चाहिए आपको जॉब लेने का, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल देंगे कि TCS के अंदर ना जाओ, विप्रो के अंदर ना जाओ, इन्फोसिस के अंदर ना जाओ, स्टार्टअप के अंदर जाओ। ठीक है, आप स्टार्टअप के अंदर जा सकते हो, स्टार्टअप के अंदर आप जॉब ले सकते हो। अगर आपकी स्टार्टअप के अंदर जॉब लगती है सो मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्टअप में जाओ, बट आप सभी स्टूडेंट्स को पता है मार्केट की कंडीशन क्या है, तो जो भी अभी आपको ऑफर मिल रहा है उसके अंदर आप चले जाओ, वहां पे अपना जॉब करो। पैकेज मत देखो, सैलरी मत देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे आप 10,000 रुपीज देखोगे कि भैया क्या स्टाइपेंड मिली है, 10,000 रुपीज तो कुछ नहीं है। सो अभी स्टार्टिंग के फेज में, फ्रेशर के फेज में आप लोग को सैलरी नहीं देखनी है, अभी आप लोग को लर्निंग्स पे काम करना है। जैसे ही आपका 1 साल होगा कंप्लीट, 2 साल होगा आपका कंप्लीट, तो जो आपका कर्व ये अभी ऐसा चल रहा है, ये आपका कर्व बिल्कुल ऐसे जाएगा, जो ये आपका कर्व है ऐसे जाएगा बिल्कुल, सैलरी का भी और आपकी स्किल्स का भी, ठीक है। स्किल्स का भी आपका और आपकी सैलरी का भी। जैसे आपको 1.5 से 2 साल IT सेक्टर के अंदर हो जाएंगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपको सारी स्किल्स, जो स्किल्स आपको होगी वो आपकी ब्रशअप्स हो जाएगी, आप एक अच्छे स्किल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो अभी आपको स्किल पे काम करना है, ठीक है। इंटर्न्स हु जॉइन इन्फोसिस विल अंडरगो ओनली 2 वीक ऑफ ट्रेनिंग एज अपोज टू रेगुलर 14 to 16 weeks ऑफ ट्रेनिंग। इंटर्न्स हु कंप्लीट द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल गेट प्रायोरिटी ज्वाइनिंग डेट फॉर द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज सिस्टम इंजीनियर। अब ये बेस्ट पॉइंट है, ये वाला एक बेस्ट पॉइंट है, ये वाला एक बेस्ट पॉइंट है, मतलब दोनों बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। आपको 10,000 रुपीज इंटर्नशिप पे मिले, एंड ये वाला जो मुझे काफी एक अच्छा पॉइंट लगा कि कम से कम जितने स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाएंगे उनको ये एक प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी एक प्रायोरिटी सेट कर दी कि भाई आप लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम में आओगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, सो यू विल गेट प्रायोरिटी ज्वाइनिंग डेट। सो आपको ये बहुत जल्दी, मतलब एक प्रायोरिटी पे ज्वाइनिंग डेट मिलेगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। तो जितने स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इंटर्नशिप के अंदर चीजें सीखेंगे, एंड जितने स्टूडेंट्स की इंटर्न्स कंप्लीट हो जाएगी, आप बहुत अच्छी तरीके से नोट पढ़ सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्फोसिस बोल रही है, इन्फोसिस को काफी स्टूडेंट्स को मिलाई है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, यू कैन कमेंट, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। इंटर्न्स हु कंप्लीट द इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद विल गेट प्रायोरिटी ज्वाइनिंग डेट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज सिस्टम इंजीनियर। तो होप्स आपको सारी की सारी प्रोग्राम की डिटेल समझ में आ चुकी हो, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मेल रिसीव हुई है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मेल नहीं रिसीव हुई है, तो हो सकता है यू विल गेट सून। जितने स्टूडेंट को अभी मेल रिसीव नहीं हुई है वो बहुत जल्दी मेल रिसीव कर सकते हैं, एंड अगर आपको फर्दर बहुत सारे डाउट्स हैं तो हमारी 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को हेल्प किया तो 1-to-1 मेंटोरशिप भी ले सकते हो, बहुत एक मिनिमम अमाउंट में 1-to-1 मेंटोरशिप रखी गई है, तो आप जाके बुक कर सकते हो स्लॉट, वहां पे चीजें सीख सकते हो, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको गाइडेंस है, ये गाइडेंस मिल सकती है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में जाएंगे, आप लोग सबसे पहले 2025 बैच से होने चाहिए, एंड इन्फोसिस के अंदर एज अ सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पर सिलेक्ट होने चाहिए। एंड दूसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फोसिस के स्प्रिंग बोर्ड, इनके कोर्सेज होते हैं, स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज होते हैं, आप देख सकते हैं उनके पोर्टल पे, वो आपको कंप्लीट करने हैं इस इंटर्नशिप से पहले, ठीक है। सो ये दोनों मैंडेटरी चीज है, ये मैंडेटरी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपकी इंटर्नशिप नहीं चलेगी,
इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड इनके कोर्सेस है, स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेस है, वहां पे आप जाओगे, आप सर्च करोगे गूगल पे इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, तो आपका वहां पे साइट मिल जाएगी इन्फोसिस की ऑफिशियल, वहां पे आपको इनके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वे आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, जितने स्टूडेंट्स को मेल आई है उन सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस मेल में साफ साफ लिखा है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज के बारे में भी, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मेल रिसीव हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मेल नहीं रिसीव हुई है। अब जितने स्टूडेंट्स को ये मेल नहीं रिसीव हुई है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेलिंग के अंदर बात की है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, सभी स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हेल्प जरूर करने वाला है आपकी प्लेसमेंट जर्नी के अंदर। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।